शिक्षक और छात्रा का अश्लील ऑडियो हुआ वायरल, ग्रामीणों ने किया शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग। बड़ी खबर गढ़वा के खरौंधी प्रखंड से आई है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, जहां पढ़ाने वाले शिक्षक भगवान स्वरूप पूजनीय होते हैं। इस तरह की हरकत शर्मसार करने वाली है। बताया जा रहा है कि शिक्षक छात्राओं से गंदी गंदी बातें करता है। यह मामला खरौंधी प्रखंड के उच्च विद्यालय करीवाडी से आया है। यह आरोप विद्यालय के दो सहयोगी शिक्षक पर लगाया है। आरोप है कि शिक्षक छात्राओं को परीक्षा में अधिक नंबर देने का प्रलोभन देकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि इस तरह का मामला पहले भी आ चुका है। विद्यालय में बराबर मुर्गा और शराब पीने की बात कही गई। एक शख्स ने कहा कि इस तरह की घटना पहले भी घटित हुई, लेकिन इस वाक्य को दबा दिया गया। अश्लील हरकतों का कॉल रिकॉर्ड वायरल हुआ तो ग्रामीणों ने विद्यालय का घेराव किया, साथ ही स्कूल में ताला बंद कर दिया गया और जमकर हंगामा किया गया। लोगों ने मांग किया है कि दोनों आरोपी पारा शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसकी सूचना पाकर खरौंधी थाना प्रभारी अभय कुमार, खरौंधी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय पांडे, खरौंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश महतो, भवनाथपुर पुलिस निरीक्षक चंदन कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिए। ग्रामीणों ने मांग किया है कि इन शिक्षकों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया जाए। मौके पर राजू रंजन सिंह ने बताया कि इस विद्यालय के कुछ शिक्षक हमेशा शराब और मुर्गा बनाते रहते हैं और हमारी बेटियों के साथ अभद्र बातें करते हैं। हम लोग अधिकारियों से मांग करते हैं कि इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया जाए और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई किया जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय पांडे ने कहा कि आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों का वेतन रोक दिया जाएगा और इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। प्रमुख आभा रानी ने कहा कि हम ऐसे शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, साथ ही उन्हें त्वरित निलंबित की मांग करते हैं। मौके पर खरौंधी थाना प्रभारी अभय कुमार, भवनाथपुर इंस्पेक्टर चंदन कुमार, खरौंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश महतो, केतार थाना प्रभारी संतोष कुमार, खरौंधी प्रखंड प्रमुख आभा रानी, करीवाडी मुखिया मानसा देवी, राजू रंजन सिंह सहित अन्य ग्रामीण और अधिकारी उपस्थित थे। आगे की खबरों के लिए गढ़वा दृष्टि के साथ बने रहे। खरौंधी से चंदेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। मामला क्या? मामला लड़की से मोबाइल पर बात कर रहे हैं अभी तक, लेकिन सुने आपने है, क्या बात हुई? बात उसका गार्जियन ने बोल दिया, तो हमको क्या सुनने के लिए था? गार्जियन ने जब बोल रहा है कि ऐसा ऐसा बात है, तो अभी तो सबके सामने बोल रहा है। ठीक सर, आगे क्या कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई नहीं होगी कि कल तक इन लोग का एप्लीकेशन हम लोग के पास आ जाएगा। उस आधार पर संबंधित दोनों पारा शिक्षक जो हैं उनका पहले कल से वेतन बंद कर देंगे और आगे फिर उनके सेवा समाप्त। इसके मुख्य कप्तान ये होते हैं प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक से क्या? प्रधानाध्यापक को तो है मैंने समझा दिया। विद्यालय में हंगामा किया है, क्या मामला था? जो स्कूल में मैटर आया है ये बहुत ही शर्मनाक मैटर है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और कहते हैं शिक्षा ही मतलब जहाँ पे गुरुओं का सम्मान दिया जाता है, गुरु कहा जाता है, वहाँ पे ऐसा अगर घिनौना कार्य हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से और सभी पदाधिकारी डीसी सर से मैं आग्रह करूंगी कि जो भी इसमें जांच टीम बनाई जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी से कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में जो गुरुजन जो हमारे गार्जियन बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनका विश्वास न टूटे और अपने विश्वास के साथ लड़कियों को शिक्षा करने का ग्रहण करने के लिए जरूरत है। पानी का पानी होगा अगर इस पवित्र विद्या मंदिर को आप इन पवित्र टीचरों द्वारा किया जाता है तो इसको कदापि कोई माफ नहीं करेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये नहीं कि बस इसको लिपा पोती कर दिया जाए, अगर पहले ही ये कार्रवाई हुई होगी तो शायद ऐसी घटना दोहराई नहीं जाती। इसलिए इसको ये सिलसिला को आगे न बढ़ाते हुए इसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोषी से सबक मिले, अगला व्यक्ति ऐसा कदम उठाए। हमारी बच्चियां, पूरे पंचायत की बच्चियां, मेरी पर्सनल अपनी बच्चियां, अगर बच्चियों के साथ कुछ होता है तो पंचायत की भी सबसे मैं जब भी स्कूल में भी आई हूँ, जब जब बच्चियों से मिली है उन लोगों से पर्सनल रूप से मैंने बात किया था और बोला था कि आप इस बात की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर अपनी मां से महिला, मैं जाति पाति की राजनीति करने वाली महिला नहीं हूँ। पंचायत की हर एक व्यक्ति विद्यालय में हंगामा हो रहा है जी, क्या मैटर है कि लेके हंगामा कर रहे हैं लोग? दो टीचर हैं जो कि कुछ
लड़की लोग से बेतौलों की बात की है और कोई लोग उसको रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कर लिया था और रिकॉर्डिंग करके पूरे अथी पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर वायरल किया, जिसके कारण कुछ जनता लोग जाने तो उसी के बारे में आए हैं कि उन लोग को बर्खास्त किया जाए। इसके पहले भी ऐसा कुछ घटना हुआ था, आप स्कूल के अध्यक्ष भी हैं। टीचर पहले ऐसा सुनने में हुआ था तो हो गया था समाधान, हटाया भी गया था, फिर अब इस तरह का हुआ बात तो भाई जनता कहेगी करना ही ना होगा। जनता बर्खास्त की मांग कर रही है, जनता बर्खास्त मांग कर रही है तो जनता हमको इस कुर्सी पर अध्यक्ष पद पर बैठाई है, जनता अधिकारी के जो आदेश होगा हम सब करेंगे। नाम बताओ। नाम हमारा धर्मेंद्र प्रसाद यादव, भलोही अध्यक्ष। दूसरा शिक्षक हो गई तरह से कर रहा है, नहीं चलेगा। दो साल से ऊपर मैं दो तीन बार चेतावनी दिया, पूरा ग्रुप आकर हमसे लड़ने के तैयार हो गया। हमारे बाप ने जमीन दिए थे उत्थान के लिए समाज के, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ गए जो दारू मुर्गा प्रतिदिन यहाँ बन रहा है। दारू मुर्गा के बाद यहाँ तक पहुँच गया हमारे लड़कियों के, हमारे बेटियों के साथ नहीं है, हमारे बेटियों के साथ इतना बड़ा शोषण। भैया शिक्षा विभाग निलंबन गिरफ्तारी, शिक्षा विभाग से प्रशासन से क्या कर, और प्रधानाध्यापक का भी निलंबन होना चाहिए, सब मिले हुए हैं, पूरे मिले हुए हैं। मैं आमरण अनशन करूंगा यहीं पर। अपना नाम पर्चा बता दीजिए। मास्टर को भगाया जाए, मास्टर को भगाया जाए, मास्टर गंदा फैला करूंगा। यहाँ मास्टर लोग गंदा फैला रखे हैं। सच्चाई और न्याय हो, न्याय करे, हमारे समाज का उत्थान का काम करे। जो हमारे बाप दादा जगह दिए थे स्कूल को शिक्षा देने के लिए, उसमें परिवर्तन 100% हो। जो पहले था आज बिल्कुल विपरीत हो चुका है। आज टीचर ही बताइए इस तरह से अपने गांव के बच्चों को पसंद कर रहे हैं, उनके घर में खुद 12 साल कितना गलती है, कितना गलती है, बिल्कुल माफी कभी नहीं है। 12 साल की बच्ची घर में पड़ी है, 12 साल के बच्चियों से यहाँ आकर क्यों हो रहा है? मैं कहा गलत बोला था, गलत बोला था, समझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तीन बार नहीं चार बार हो लिया। मैं स्कूल के जमीन दान करने वाले हमारे रामेश्वर सिंह का नाती मैं राजू रंजन सिंह बोल रहा हूँ। अब मैं सदैव जनता के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। जो क्या मामला है? नाम मेरा बजेंद्र पड़ा, श्री बजेंद्र राम। मामला बताइए, क्या मामला है? मामला यह है कि मेरी लड़की क्लास करने आती है यहाँ पर, तरह तरह की उसको आवाज उठा दिए मास्टरों ने, उठाकर बवाल चला दिए कि इस तरीका की लड़की की है, इस हालत बताया गया है। गरीब आदमी ने ग्रामीण हम लोग जबर होकर उसको पूछताछ किए तो सच्चाई मिला कि मास्टर ने गलती किया है। लड़की को बुलाकर जबरदस्ती में उन लोगों बात अनाप शनाप बात जो है कि बुरा बुरा तरह की बात बोलती है। उसके बाद इससे पहले भी एक मुसलमान के लड़की के इसी कॉलेज में धमाका आवाज उठाकर उस लड़की को छिपा दिया गया। तीसर का स्थान में भी हुआ, एक लड़की भी आई थी, उसको नाम मौजूद नहीं किया रहा हूँ, मगर उसका भी यही गति हक मास्टर किए। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। वह सरकार से दस्त है कि ये मास्टरों लोग रिटर्न किया जाए यहाँ से। गढ़वा शहर में खुलने जा रहा आराध्या इंटीरियर एंड हार्डवेयर, अपने घरों को सजाएं और सवारे नए प्रकार के इंटीरियर डिजाइनर के साथ। यूपीपीसी डब्ल्यूपीपीसी के उच्च मूल्य पर खरीदारी की समस्या गढ़वा के लोगों के लिए जल्द होने वाली है खत्म। प्रोप्राइटर उपेंद्र कुमार उप पिंटू ठाकुर, गढ़देवी मंदिर के पीछे, विश्वकर्मा प्रिंटिंग प्रेस के बगल में। साइट विजिट के लिए आज ही संपर्क करें।